70 साल बाद फिर से भारत में लुप्त हो रहे जानवर चीता को नामीबिया से लाया गया है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ बड़े फैक्ट्स। प्रोजेक्ट चीता के चीफ एसपी यादव के मुताबिक नामीबिया से चीता को बोइंग 747 से लाया गया, यानी जंबो जेट से। इस एयरक्राफ्ट को इसलिए चुना गया ताकि रिफ्यूलिंग के लिए रुकना न पड़े और डायरेक्ट इंडिया लाया जाए। दरअसल ये एयरक्राफ्ट बिना रुके दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है। फ्लाइट में 8 चीतों के साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, भारत के हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। फ्लाइट नामीबिया से 16 सितंबर के रात को रवाना हुई और 17 सितंबर की सुबह 7:30 बजे मध्य प्रदेश के कुनो में पहुंच गए। सभी चीतों की मॉनिटरिंग के लिए उन्हें सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाया गया था, क्योंकि इससे उनकी लोकेशन मिलती रहती है। हर चीते को मॉनिटरिंग के लिए एक व्यक्ति लगाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 चीतों को कुनो में छोड़ा, बाकी चीतों को उनके अपने इलाकों में बाद में छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।